हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के है। अब समस्या हमारे साथ काफी सारी है, आइए देखते हैं समस्या क्या है। यहाँ पर सबसे पहले तो एक्सेल को ओपन करेंगे और फिर जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 2021 है जिसे मैंने ओपन किया हुआ है, देख सकते हैं आप। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 2021 वर्जन है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डेट, ये हेडिंग है डेट, और यहाँ पर कोई डेट आएगी। जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पर एक डेट लिख देता हूँ जो कि कुछ इस तरीके की है, ठीक है। 2/7/2023 लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया 9/4/2024 लिख दिया, पर यहाँ पर कोई और डेट 7/9/2024 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीन डेट लिख दी, चौथी भी डेट लिख देते हैं यहाँ 5/2/2024 कर देते हैं, यहाँ पे 7/9/2024 कर देते हैं, ठीक है। और ये तो ऑलरेडी हो चुका है तो इसको हटा करके कुछ और लिख देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं लाइक 11, ठीक है। तो ये 11 कर दिया। तो अभी आपको यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर डेज का नेम चाहिए, यानी कौन सा दिन 2/2/2023 को था वो हमें दिन का नाम चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमें मंथ का भी नेम चाहिए, मंथ लिख दिया, और ईयर तो आपको दिख ही रहा है तो ईयर तो लाने की जरूरत ही नहीं। तो अभी ये प्रॉब्लम है, क्या करेंगे, कैलेंडर उठाएंगे उसमें देखेंगे? नहीं, आप हमारे चैनल के व्यूअर हैं, एक्सेल पर कैसे काम करना है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर आपको डेज पता करना है तो यहाँ पे इज इक्वल टू का निशान लगाइए, क्योंकि फंक्शन हमारा इज इक्वल टू से शुरू होगा, फॉर्मूला हमारा इज इक्वल टू से शुरू होगा। तो यहां पर एक फंक्शन होता है टेक्स्ट, ठीक है, अब इसे फंक्शन ही कहेंगे क्योंकि ये प्री डिफाइंड है। तो यहां पर ब्रैकेट को ओपन कर लीजिएगा और आपको क्या करना है, आपको यहाँ सिंपली ये डेट सेलेक्ट करनी है और सेलेक्ट करके कॉमा लगा दीजिएगा, बस इतना ही करना है। रुकिए, अभी कुछ और भी करना है, क्या करना है देखिए, यहाँ पर डबल डेट कॉमा लगाना है और यहाँ पर क्या लिखना है आपको, डी डी डी, एक बार और डी लिखना है। तो यहाँ पे डी लिख दिया, तो 4 times D लिख करके इस ब्रैकेट को क्लोज किया, देन प्रेस किया एंटर। ओ तो 2/7/2023 को संडे था। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सीधा यहां से ड्रैग करवा दीजिए और आप देखेंगे कि किस दिन क्या था, ये बिल्कुल सटीक आया हुआ है। लेकिन ये कैसे पता चला कि 11/9/2024 को वेडनेसडे ही था? अब आप कैलेंडर उठा के देख सकते हैं, लेकिन चलिए हमारे सिस्टम में भी कैलेंडर मौजूद है। ये है हमारे सिस्टम का कैलेंडर, और सिस्टम का कैलेंडर कहाँ है, ये रहा, ये है। तो ये तो 2024 का ही कैलेंडर है, और बात हो रही है 11/9 की, यानी नौवां महीना कौन सा है, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी सितंबर की बात हो रही है, यानी इसी महीने की बात हो रही है। और 11 तारीख को दिन कौन सा था, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दिया हुआ है वेडनेसडे, यहाँ पर देख सकते हैं ये 11 तारीख है और दिन कौन सा है, वेडनेसडे है। और यहाँ पर क्या आया हुआ है, जरा देखिए, यहाँ पर मैं इसे एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट भी करता हूं, तो यहाँ पर भी वेडनेसडे ही आया हुआ है, देख सकते हैं एकदम एक्यूरेट है। बट यहां पर 5/2/2024 को क्या रहा होगा, तो मंडे रहा होगा, लेकिन ऐसे कैसे पता चलेगा, इसको चेक करना पड़ेगा ना। आइए चेक कर लेते हैं, चेक करना कौन सी बड़ी बात है, यहां पर हमारे पास है कैलेंडर, कैलेंडर में चेक कर लेंगे हम, ठीक है। तो आइए चलते हैं, अब कहां, अब हम चलते हैं सीधा फरवरी की बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम फरवरी में आ रहे हैं, तो ये फरवरी हो गया, और 5 फरवरी को कौन सा दिन था, तो ये है 5 फरवरी, मंडे था, और यहां पर क्या आया हुआ है, मंडे ही आया हुआ है। अगर आप 2023 का देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसी तरीके से 2023 का भी जो दिन आया होगा, यानी यहाँ पे ये 2/7/2023 को संडे था, ये आया हुआ है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अब कैसे करेक्ट है, ये तो देखने से पता लगेगा। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर 2023 में आ जाते हैं, ठीक है। और किसकी बात की जा रही है 2023 में, सातवां महीना यानी जुलाई की बात करी जा रही है, और 2 तारीख को जुलाई को कौन सा दिन था, तो संडे था। तो यहाँ पर क्या आया हुआ है, 2 तारीख को जुलाई का कौन सा दिन था, तो यहाँ पे देखिए संडे ही यहाँ पर भी आया हुआ है, एकदम 100% क्लियर। देखिए यहाँ पर संडे ही आया हुआ है, और यहाँ पर आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर मंथ की बात करें तो मंथ भी ये निकाल के दे देता है, कैसे निकालेगा, यहाँ पर टेक्स्ट फंक्शन यूज करेंगे, और यहाँ पर वैल्यू पूछ रहा है तो इसी डेट को सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा लगा देना है, और मंथ के लिए आपको क्या करना है, 3 times हम क्या करते हैं, एम कर देते हैं, एम यानी मंथ, अब एंटर कर देते हैं। देखिए जुलाई, तीन अक्षर का नाम आया हुआ है जुलाई, तो ये जुलाई का महीना ही तो है,
ठीक है, अगर मैं इसको ड्रैग करवा देता हूँ नीचे की तरफ तो सबका मंथ आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं रिलेटेड मंथ भी आ गया। अगर आप ईयर भी चाहते हैं कि निकल जाए तो यहाँ पर मैं ईयर भी करके दिखा देता हूँ आपको कैसे निकलेगा। यहाँ पर इस इक्वल टू का निशान लगाएंगे, टेक्स्ट का फंक्शन लगाएंगे, ये टेक्स्ट का फंक्शन लगा दिया और इसे डेट को कर लीजिए सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगा दीजिए, फिर डबल डॉट कॉमा में फोर टाइम वाई लिख दीजिए, थ्री टाइम भी लिख सकते हैं आपकी मर्जी, बंद करके एंटर कर दीजिए और यहाँ पर ईयर भी निकल के आ गया। हालांकि ईयर तो आपको दिख ही रहा है, देख सकते हैं ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ये फंक्शन काफी काम का है और आपके काम भी जरूर आएगा। उम्मीद करता हूँ पूरी बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।